जाके आ गए अकेले अकेले वापस आ गए मेरे बंदे। अच्छा तो चलो लेके चलते कार्तिक स्वामी जी टेम्पल वापस आया हूँ। जय शंकर महाराज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए और ट्रैक होगा शुरू हमारे घर से। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर के चारों तरफ की लोकेशन। और इस तरफ में हमारा घर और ये इस तरफ की चारों तरफ की लोकेशन कुछ इस तरह की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। पहुंच चुके हम उस ब्रिज के पास में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ रखा था और ये जो ऊपर ऊपर से जा रहे थे सारे यात्री। तो और मणिवेश यात्रा के टाइम में यहाँ का बुरा हाल था, पर इस टाइम में ये ब्रिज बिल्कुल सही हो गया है। बोले बोले शिव बोले। और रास्ते के हालात जो है वो कुछ इस तरह के हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करके हम कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए जा रहे हैं अभी। मैं चुके हैं हम हटसर में और जहाँ से मणिवेश कैलाश के लिए जाते हैं और यहाँ से आगे में जाते हैं कुकती टेंपल के लिए। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जाते हैं और यहाँ पे ऊपर में जाते हैं हटसर से मणिवेश कैलाश के लिए और यहाँ नीचे में कार्तिक स्वामी टेंपल के लिए जहाँ से जाते हैं। पहले तो यहाँ दर्शन कर लेते हैं एक बार। जय शंकर भोलेनाथ। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है मणिवेश कैलाश के लिए और यहीं से जाएंगे हम कुकती के लिए। रुक जाओ। और फाइनली यहाँ पे मिल गया हमारे अज्जू भाई। ये भी मणिवेश के लिए गए थे कि पता नहीं कहाँ गए थे भाई। कहाँ जाके आ गए अकेले अकेले? वापस आ गए मेरे बंदे। अच्छा तो चलो लेके चलते कार्तिक स्वामी जी टेम्पल। वापस आया हूँ आज मणिवेश जा रहा हूँ बंदे थोड़े। तो परे से लेके चलने थे वो बहुत ही खराब है और इस रास्ते से नहीं चढ़ पा रहे तो बंदे से कहाँ चढ़ पाना। अच्छा तो चलो फिर क्या करना, वापस चल जाना? अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई पता नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। तो चलो अभी हम चलते हैं कार्तिक स्वामी के लिए और मिलते हैं आपको वहाँ वापस ही में। जो कि मणिवेश कैलाश के लिए जा रहे थे पर रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बर्फबारी भी हो गई है और इनके एज भी काफ़ी ज़्यादा है तो उस वजह से चढ़ नहीं पाए। मुंबई कल्याण से। ये चाचा मुंबई कल्याण से आए हैं और ये मणिवेश कैलाश पी के लिए जा रहे थे अभी मैं, पर ऊपर में बर्फ़ वगैरह पड़ गई है और इन जूतों से सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे ऊपर में। तो अभी ये वापस जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल जाके और अभी मैं रुकेंगे ये भरमौर में और उसके बाद वापस चल जाओगे ना? तो चलो फिर। कैसा लगा ऊपर में? अच्छा है, है तो अच्छा। कार्तिक स्वामी में ऊपर बहुत अच्छा है। क्या हो गया थोड़ा हमारा प्लानिंग में, क्योंकि हम लोग आए 23 को हम लोग मुंबई से बैठे। अच्छा अच्छा। पठानकोट 27 आवर्स का जर्नी किया, वहाँ से चंबा से भरमौर आए। 25 बारिश थी। बारिश हम लोग वो दिन फिर 84 और भरमानी माता भी हम लोग ट्रेक करके वापस आए। तो हम लोगों ने कार्तिक स्वामी आज एक्चुअली एक रेस्ट लेना जरूरी था हमारी उम्र के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रेस्ट लेते थे तो कल हम लोग आसानी से कर पाते। हाँ हमारी आप पीछे में देख पा रहे होंगे वाटरफॉल जो है सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है एकदम से। और इन्होंने सारा रास्ता जो है वो जाम कर दिया है इस टाइम में। फाइनली अभी जिस जगह में हम पहुंच चुके हैं यहाँ सामने में है पाप और पुण्य के दो झरने हैं
जो पाप और पुण्य के नाम से जाने जाते हैं, और ये आते हैं मणिमहेश कैलाश से। और ये कुप्ती को जहाँ से आप अरसर से आते हो कुप्ती के लिए, वहीं पे पास में बीच रास्ते में पड़ते हैं। तो मैं आपको उन झरनों को दिखाता हूँ जो ये है सामने में पाप और पुण्य के झरने जो आप देख पा रहे हो। ये जो ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। दूसरी तरफ का जो एरिया रहता है वो कुछ इस तरह का है। अभी मैं कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम कुप्ती विलेज में, और अभी इस रोड से होके जा रहे हैं हम। कुछ इस तरह का ये रोड कंडीशन यहाँ की, यहाँ पे इस टाइम में बारिश में काफ़ी ज़्यादा जो है रोड की कंडीशन जो है ख़राब हो गई है, नहीं तो पहले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और आप जो पीछे में घर देख पा रहे होंगे यही है कुप्ती विलेज, और इससे पीछे में 7 किलोमीटर का ट्रैक पैदल कांगड़ा किया और शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ जो है देखने को मिल जाएगी। देख पा रहे होंगे ये है परिक्रमा का रास्ता, इस तरफ से होके जाते हैं परिक्रमा के लिए। पर इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्नो जो है वो फ्रेश जो है वो गिर चुकी है, और उस वजह से ऊपर मणिमहेश कैलाश को क्लाइम करना, मणिमहेश कैलाश के लिए क्लाइम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और नीचे में रिवर साइड का व्यू देखो तो आप काफ़ी अच्छा है, और चारों तरफ में देवदार के ये पेड़ ही पेड़ है। शाम का टाइम है इस टाइम में, तो अभी हमें टेम्पल तक पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आप रोड देख पा रहे होंगे गांव के लिए जा रहे हैं अभी, वैसे तो पीछे में लगाने के लिए है पर अभी हम आगे में ले जाएंगे। बिल्कुल हमारे राइडर मनीष भाई है, तो ये काफ़ी अच्छी राइड करते हैं इन पहाड़ों में, कभी आपको इसका मज़ा लेना हो तो आ सकते हो। फाइनली कुप्ती गांव में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का रहता है। मैक्सिमम घर आपको देखने में वुडन के मिल जाएंगे, यहाँ मैक्सिमम वुडन के ही घर कामयाब है। ये है कुछ इस तरह का गांव का इंटरफेस, बस दे लाई कर ये बाजू में खड़े ए लेडर स्क्रीन यारा। हां बस तो सर खड़े चलता है बचा चलो चलो ठीक है और का ठीक है। बाइक जो रहती है वो यहाँ पे पार्क हो गई है, और इस तरफ मैं गांव से जिस जहाँ से हम बाइक लेके आए, और अभी चलते हैं। चले मनीष भाई चलो भाई चलो। इस तरह का है कुप्ती गांव जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और इस टाइम में जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो अभी चलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। एक कुप्ती गांव यहाँ पे नीचे में है, और एक ऊपर में इतना गांव और है वो, तो चलो अभी चलते हैं क्योंकि मनीष भाई तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चढ़ रही है ये, तो मेरे को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं भी जल्दी से चढ़ूं। हो चुका है, अभी हम मंदिर पहुंचे नहीं हैं, यहाँ से अभी टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर, और यहाँ से चलते चलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। पीछे में भी हम घर से निकलते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। फाइनली अभी मैं हम पहुँच चुके हैं कार्तिक स्वामी टेंपल, और उस तरफ मैं नीचे में जहाँ पे लाइट जली हुई है वो है कार्तिक स्वामी टेंपल। अंधेरा ज़्यादा हो गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया, उस वजह से हम अंदर नहीं गए अभी, तो सुबह दर्शन वगैरह जो भी करेंगे वो सुबह में करेंगे। और अभी मैं
ऊपर जाके अपना टेंट वगैरह सेट करते हैं। इसमें क्या आता है बता? तेरे को नहीं आता बताता हूँ तेरे को। तेरे मुंडे आ। फोटो आ रही है। दे फोटो बाद दे जल्दी कर। जल्दी कर जय कार्तिक स्वामी तो जाना बैठाना तो लगी है लगी। काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे हैं इस टाइम में। अभी में जो हमारी चाय है वो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। फाइनली अभी मैं जो हमारी चाय है वो बन के गिलास में आ चुकी है। अभी मैं टाइम हो चुका है हमारा सोने का और इतनी देर बार वगैरह बैठे हम वहाँ पे वॉन फायर वगैरह किया तो वहाँ पे बैठे हुए थे और अभी आगे हम टेंट के अंदर टेंट में अभी सोएंगे। सोने का टाइम हो गया क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11 बज गया और ठंड वगैरह जो है वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा हो गई है बाहर में। और मंदिर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस वजह से हम मंदिर में रुके नहीं और ऊपर आके जल्दी किया। 10:30 बजे आए हम मतलब ऊपर नीचे मंदिर से और अभी मैं हम टेंट में हैं और सोने की तैयारी है बिल्कुल क्योंकि स्लीपिंग बैग में हम घुस गए हैं और ठंड जो है बाद में ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो चलो अभी सो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।